चिट्ठी लिखना नहीं आता मुझे, लेटर लिख दूं बोले कि मेरे सामने मेरी चलती गाइस, इसमें दम नहीं है। ये तो 10 घंटे लगाएगी लिखने में। ये बड़ा सुंदर लग रहा है मुझे, सॉरी गाइस मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरे मुंह पे चच रहे, मम्मी करेले करती थी मेरे। बाबू का नाम करूंगा। तो सबसे लेट सोई थी और देख लो फिर उठ गई है, आंखों में से पानी आ रहा है क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं है। लाडो रानी जल्दी क्यों उठते हो? गुड मॉर्निंग कर दो सबको, दोनों तीनों भाई बहन। आजा मम्मा, मम्मा कैंटीन से कुछ ले। ऐसा थप्पड़ मारूंगी मुंह पे, पेट में दर्द बता रहा था कल, उल्टी बातें मत किया कल, पैसे दे देना गुल्लक में डालने के लिए। कैंटीन के लिए राजमा चावल बन चुका है, राजमा चावल फ्रूटी में पता कितनी के वो होती है, पेट में ऐसा फ्रूटी नहीं वो जूस, जूस भी नहीं लेना घर का, फ्रेश जूस बनाकर। अरे बाल कैसे कंगी किए इतने गंदे, रुक जा बाय बाय, चलो भगो खुल जाओ, चल बेटा अब तू नींद नहीं करने जाएगा। मम्मा आलू पाता खाएगी, आलू पाता खाएगी, अच्छा ठीक है, नहीं खिलाऊंगा चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग जीरकपुर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सुबह के बच्चे हैं, ये भी बोलेगा क्या एक कह रहा है, एक बच्चे क्या बच गया, नहीं ब्लर हो जाएगा। तो गाइस सुबह की बज चुके हैं 9:30, चीकू जा चुका है स्कूल, आयानू उठा हुआ है बहुत देर से, तो आयानू को खिलाएंगे हम आलू तपला था पल्ला ठीक है। तो यहाँ पे आनु और तुबु दोनों, अच्छा ये डाल दू नाक में, नोचू क्यों डाल नहीं, इसका टोपा नहीं खींचना, बाइक को तो कोल्डू हो जाएगा, ठंडू हो जाएगा, ठंडू ऐसे लड़ाई नहीं करते। आप ये ले लो, डॉगी ले लो, डॉगी ले लो, छीन ली आखिर इसने, आखिर कह रही मेरे मुंह में ही यही डॉगी नहीं आएगा, मेरे मुंह में यही आएगा तो मैं यही लूंगी, पर ये बोला है ये सब कुछ ले लेता मेरा बेटा। तो यहाँ पे सारे सब लोगों का नाश्ता आ चुका है, और इस शख्स को तो आप पहचानते होंगे, जब भी घर में शादी होती है ना तो इसको बिन बुलाए ये मेहमान आ जाता है। हम मेहमानों को नहीं बुला रहे इस बार घर पे, हमने सोचा तो घर घर के लोग करेंगे, पर ये बिन बुलाया मेहमान हमारे घर में आ गया है, इसको तो आप सब जानते होंगे। और यहाँ पे हमारी तू बरानी मट्टी खा रही है, दिखा दो दिखा दो उंजुरू, गुड मॉर्निंग, चलो गुड मॉर्निंग कर दो आपको, गुड मॉर्निंग कर दो। तो गाइज मैं उठ चुका हूँ और मैं उठा हूँ चाय नाश्ता करने, क्योंकि सब चाय नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने सोचा कहीं मेरी चाय खत्म ना हो जाए। लो आपका ये नमक पारा तो लो खाओ, नहीं सुबह सुबह नहीं डाइटिंग पे हो आपको, क्या कहते हैं मॉर्निंग वॉक पे जाना है, मॉर्निंग वॉक नॉट इंटरेस्टेड, डोंट टॉक टू मी, ओके ठीक है बेटा नहीं करते बात। कहाँ ढूंढ रही हो जैद, कौन है पीछे? आ गया जेजू, आ गया जद, बाय बाय करो, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? तो रात को भाई ये लड़का कम से कम ये लगा लो 2 से 3 घंटे तक मेरे पास था, जो उधम इसने चका है ना पूछो मत, उधम चका था पूरा, और शर्मा का कह रहा हाँ चका था। तो भाई सुबह सुबह पाली ना पूरा बाजार लगा दिया, पाली क्या है तुझे नींद में नहीं आती क्या? बाबू शादी के लिए ज्वेलरी ढूंढ रहे हैं, घर से निकालेंगे ना। तो भाई टाइम तो दे ले, रात को भी 2 बजे सोई थी अभी उठ गई है, अभी थोड़ी उठी हूँ 9:30 बजे, 9:30 बजे तो अब सोएगी नहीं, अभी ये करके फिर सो जाएंगे, घूमने चले गई। कृष्णा कहाँ है पृथ्वी, कृष्णा कहाँ है बता तो दे, कृष्णा कहाँ है? तो गाइस एक बहुत ही जरूरी सूचना, 2 से 3 महीने में आप एक बड़ी ब्लड टेस्ट जरूर करवाओ, जिससे ना जो जो कमियां हैं पता लगती रहेगी और उसको आप पूरा कर सकते हो, बाद में कभी भी जिंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस हमारे घर में ना एक ही बच्चा जो आलसी नहीं है, देखो ये नहा धो के सोना काका बन गया है, और हमने बचपन में एक बात सुनी थी कि कोर्ट के ऑर्डर थे कि काली शर्ट नहीं पहनने देते थे देवानंद को, और उसके बाद देखो वो तो लेजेंड थे और पूरी जिंदगी रहेंगे, पर उसके बाद ना जो हमारा एक काका है ना ये भी काली शर्ट नहीं पहनेगा, नहीं तो लड़कियां मर जाएंगी, है ना बेटा, है ना, है हाँ या ना, तो कमेंट करके बताना ठीक है, काली शर्ट नहीं पहनने देंगे मेरे को भी। ओहो ओहो गंदे लड़के, इधर देखो, हाँ क्या हुआ, मम्मी से मिलवा के ना, मम्मी सो रही है तेरी, ये चलने की पूरी कोशिश कर रहा है, हाँ भाई किसको देख रहा है, चलने की पूरी कोशिश कर रहा है, ये उसने देखा शांति को देख रहा था, हाँ भाई जैद इधर देखो, इधर देखो, ओह 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 ये बहुत जल्दी चलेगा ना, केबल गिर जाएगा नीचे, गिर जाएगा भाई लड़के, इधर देखो इधर बहुत स्टाइलिश है, स्टाइलिश भाई कहाँ, भाई सो रहा है, तो भाई इसका जो भाई है छोटा कृष्णा वो सो रहा है, सोएगा ये, सोएगा अब, नींद आ रही है, पृथ्वी इधर देखो सो रहा है, इधर देखो सोएगा ये ना, नींद आ रही है, क्यों रो रहा है ये पापा, क्यों रो रहा है ये तो बता दे, इसको भूख लगी है पर मैं दूध नहीं देना चाहती, मैं चाहती कुछ सॉलिड दे दूं, तो भी बनवाया है कुछ। तो गाइस माँ के हाथों में जादू होता है, देखो एक मिनट में सो गया, ये थक गया था खेलते खेलते ना, काफी देर का उठा हुआ है ना, फिर रेडी हो गया, और रेडी होने के बाद बच्चों को नींद आती है।
है ये पिंकी कौन है पल? अयान की बहन है। जैद कृष्णा बेटा पिंकी बना हुआ आज है, पिंकी बना हुआ है। कोई बात नहीं अभी उठा नहीं, तो अब ये उठ गया, अभी ये सो गया है, ये सो गया, यही चलता है यहाँ पे, यही चलता है, कभी कोई सोता है कभी कोई उठता है। तो भाई यहाँ पे नींद की मरीज उठ गई है और आज इसने पूरी नींद पूरी की है, ये लगा लो 12 बजे उठी है। एक मैं ऐसे करती हूँ, मैं दो एक दो दिन नहीं सोती, फिर एक दिन बहुत अच्छा सोती हूँ, फिर एक दो दिन नहीं सोती, फिर ऐसे करके नींद ले लेती हूँ। तो मैं सारी चीजें निकाल दूँ। आज सफाई अभियान पे फिर पायल छुट गई है, छुट गई हूँ क्योंकि घर में सामान बहुत ज्यादा, घर में आया शादी। पायल कॉकरेच देखा मैंने अंदर, कॉकरेच नहीं था, वैसे काला काला कुछ हिल रहा था, वो इसका वो था। वही यहाँ पे मेरा जैदू भाई भी उठ गया है। जैदू नमस्ते गुगू पाए, नमस्ते छुतरी पाए। हाँ जी कहो गया हिलान को लो थी आप, चीजी खाओगे चीजी, पांता खाओगे पांता, इनका बड़ा परांठा, चलो आज पांता खाते हैं। तो भाई यहाँ पे मेरी तुबू रानी भी उठ गई है। गुड मॉर्निंग कुटू पाए, गुड मॉर्निंग सुंदरा भाई, गुड मॉर्निंग कुटू पाए, क्या हो गया पांता खाए। तो गाइस ये बच्चों के जो कपड़े हैं ना सस्ते कह रही हूँ, सर्दियों वाले, वो मैंने पैक कर दिए क्योंकि अभी कपड़े पूरी अलमारी भरी पड़ी है, तो ये कपड़े अगले साल निकलेंगे, इसलिए ये बैग कल आए थे, तो इनमें हमने कर दिया काम ही। तो यहाँ पे सारे छोटे कपड़े निकाल रही हूँ, जो कपड़े ना बेड में डालने हैं, वो पायल को जो पैकेट में डालने ना, वो सारे कपड़े मैं निकाल रही हूँ। अरे ये तो बच्चे किसी फंक्शन में पहन लेंगे हैं, सुंदर लग रहा है ये, भाई बच्चों ने दिवाली में पहना था, शायद बच्चों को आ जाएगा, तो ये निकाल देती हूँ मैं, वो कपड़े निकाल रही हूँ जो बच्चों को भी आएंगे नहीं। फरमान जी ऊपर अपनी वो कर रहे हैं कार्डियो, तो तब तक मैं उनके लिए ना डाइट बना देती हूँ। डाइट में यार मशरूम और हाई प्रोटीन मतलब व्हाइट काबुली छोले और ब्लैक छोले और साथ में मशरूम, तीन वेज डाइट बन रही है। तो यहाँ पे मेरा जो है गार्लिक का जो वो है मैंने हल्का सा बना दिया है, वो जाएगा एवोकाडो में और ये एवोकाडो लगेगा गार्लिक ब्रेड। वाओ पायल मिली तीनों के लिए। हाँ मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं सोचू कल पायल ने मुझे चीज और समझाई थी कि रात को प्रोटीन नहीं पीना चाहिए ना, तो मैंने सुबह काम करूँ मैंने अभी चाय नहीं पी, जैसे मैं गेनिंग कर रही हूँ ना, हाँ तो मैं तो ले सकती हूँ, तो मैं काम करूँ मैंने चाय नहीं पी तो मैं फिर प्रोटीन पी लूँ। अभी पहले डाइट खा लेना, जाते हुए जब हम बाहर जाएंगे ना तब तू ले लियो। तो ये गार्लिक ब्रेड का हो गया, अब उनको मेरे को बोल वो छोले हैं काबुली छोले वो फटाफट लिया। ठीक है मैंने सोचा है काम करती हूँ, बेड खोला ही है ना, तो तूबा की 5-10 फ्रॉक है जो बाहर पड़ी है वो भी अंदर लगा ही देती हूँ, फिर ये एटलीस्ट ये हो जाएगा, गर्मियों के कपड़े एक साइड हो जाएंगे, बच्चों के सर्दियों के कपड़े एक साइड हो जाएंगे, जो बच्चे कपड़े नहीं पहनते पायल ने बोला किसी और के लिए हम निकाल देंगे, क्योंकि देखो हमारे बच्चों के कपड़े ना सारे आपको पता है बिल्कुल नए रहते हैं इतने कपड़े, तो हम वो कपड़े अलग निकाल देते कि किसी बच्चे की हेल्प हो जाएगी और कोई बच्चा पहन ले। तो यहाँ पे जिस कढ़ाई में मैंने वो थोड़ा सा रोस्ट किया था ना लहसुन, उसी कढ़ाई में मैंने जो है इसको अपने राजमा छोले काले छोले को वो कर लिया हल्का सा गर्म। अब इसमें देखो आपको पता है डाइट के जो सामान होता है ना उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट में बन जाता है, तो बस अभी इसको बना के रेडी करके दिखाती हूँ। इतनी प्यारी प्यारी फ्रॉक की है ना, इतनी प्यारी प्यारी फ्रॉक की है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं बता सकती, बस मैं दिखा सकती हूँ। ये देखो एलवी की फ्रॉक, आज ना सारी तूबा का वॉर्डरोब सेट करके ना आपको दिखाऊंगी कि हमारी गुड़िया के पास कितनी फ्रॉक है। रोस्ट हो गए हैं सारे जितने भी, इसी कढ़ाई में मैं हल्का सा बिना घी के इनको भी रोस्ट करूंगी, हल्का हल्का ज्यादा नहीं, तो थोड़ा कच्चापन नहीं आएगा। इसमें है रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ग्रीन कैप्सिकम और हरी वाली प्याज को क्या बोलते हैं वो है, दो चीजें। टमाटर नहीं करेंगे हम क्योंकि टमाटर का स्वाद ऐसे अच्छा है। तो ये वाली जो फ्रॉक है ना नीतू ने दी थी तूबा को, तो मैं सोच रही हूँ तूबा को इस बार आ जाएगी, और ये भी नीतू मासी ने दिया था जो तूबू को इस बार आ जाएगा, बहुत सारे कपड़े हैं तो सारे तूबू को पहनाऊंगी मैं। जो है सनफ्लावर सीड के साथ गार्निशिंग कर रही हूँ क्योंकि गार्निश की हुई चीजें ना खाने में और ज्यादा अच्छी लगती है, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। इसके साथ थोड़ी सा ड्राई फ्रूट रखूंगी, इसमें मैंने हल्का सा जो है काला नमक और ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है, साथ में ओरिगैनो फ्लेक्स, यहाँ पे मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डालूंगी अपना कटा हुआ टमाटर। तो यहाँ पर निकले अयान और जैद के कपड़े, तो इनके अंदर हाफ कपड़े भी है फुल कपड़े भी है, तो एक अलमारी बना देती है दोनों भाइयों की, एक अलमारी तो तूबा की बन गई है। जब गर्मी आएगी ना तो हमें सब पता होगा कपड़े कहाँ पे रखे, क्योंकि आज बेड खुले हैं, तो मैंने सोचा ये बेड बहुत दिन से ना खराब हो रहा था ये भी सेट कर देते हैं। तो गाइस अभी मैंने कार्डियो किया था और उसके साथ भैया हाई प्रोटीन डाइट आ गई है बहुत ही कमाल की, पायल ने बनाई, शायद आपने देख ही ली होगी कैसे बनी है। भाई डाइट भी फॉलो करते रहना, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो गाइस गोलू और पायल की डिमांड है कि आज ना आप हमारे लिए दाल चावल बनाओ बेहतरीन वाले, तो आज की किचन मेरे नाम यानी कि मैं ही बनाने वाला हूँ। साथ खड़े हो गए या रहने दो, आप देखेंगे आप वाले कैसे बना रहे हो। ठीक बिल्कुल खड़े होंगे देखेंगे ना आपको। तो भाई कमेंट्री चीजें मैं समझाने वाला हूँ, दाल चावल बनते कैसे, मैंने इनको बहुत खिलाए हैं, आज आपके सामने खिलाने वाला हूँ। ठीक है ठीक है।
फाइन ठीक है, मैंने एक वेन्यू डिसाइड कर दिया, 12 मार्च शादी है बाकी। वेन्यू क्या है, जो डेट है? हाँ, तो ये मैंने डिसाइड कर दिया, अब तू बता। क्या मैं बताऊँ? सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब लड़का लड़की मिलती है तो वो करते हैं एंगेजमेंट। सबसे पहले रोका सेरेमनी। अरे यार वो पहले से रोका कहाँ से, पहली पहली बार थोड़ी मिल रहे हैं, फिर बारह बोल रहे हैं उनकी तरफ। एक बात बता, उन्होंने कोर्ट मैरिज करी है, एंगेजमेंट का जो हक होता है, एंगेजमेंट तो करेंगे तो पहले तो एंगेजमेंट लिखूंगी ना। सबसे पहले एंगेजमेंट होती है पायल। हाँ मैं एंगेजमेंट लिख रही हूँ, अपडेट बता दी, पहले एंगेजमेंट होगी ठीक है, पहला फंक्शन। दूसरा सारा चिट्ठी क्या होता है, चिट्ठी लिखनी है, चिट्ठी जाती है, चिट्ठी जाती है, पर वो तो दोनों ही हैं, चिट्ठी किसको भेजेंगे? चिट्ठी लिखी जाएगी, चल चिट्ठी पंडित हमारे यहाँ चिट्ठी बोलते हैं उसे। पहले एंगेजमेंट है लेकिन दूसरा चिट्ठी जाएगी, शगुन कहते हैं, शगन कहते हैं, चिट्ठी बोलते हैं वो, चिट्ठी फंक्शन। चिट्ठी लिखना नहीं आता मुझे, लेटर लिख दूं? ची ई टी ई चिट्ठी, ची ई टी, मुझे चिट्ठी लिखना नहीं आता, चा सी एच चिट्ठी। तेरी बड़ी गंदी राइटिंग के पास, तेरे से तो अच्छी है, मैं तो देख सुन रहा हूं। चिट्ठी फंक्शन, उसके बाद देवों की पूजा होती है, शगुन जाता है फिर ना, लड़की वाले से लड़कों वाले से नहीं, लड़की वाले से लड़कों वाले को शगुन जाता है वो। तेरी शादी में तो नहीं किया था हमने ना, हमारे में पता नहीं था ना, अब की बार हमारे में से किसी शादी नहीं ना, किसी और की शादी है तो हम अच्छा कर सकते हैं पहलेंगे। तो ना बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप किसी गरीब की शादी करा दो, ये है वो है, तो देखो हमारे साथ ना बहुत बुरे समय पे मनदीप भैया और भाभी जुड़े हुए थे, जिस टाइम पे हमारे पास ये लगा लो आटे लेने के पैसे नहीं होते थे, उस टाइम पे जुड़े हुए थे। तो देखो आज भगवान ने हमें इतना कैपेबल बनाया कि हम लोगों के लिए कुछ कर पाए। अच्छा मैं को एक बात भाभी का छोटी सी पायल, उस टाइम पे एक बात आपको बताते हैं, पायल को तो पता है कि भैया ना स्पेशली हरियाणा से भाभी हमारे लिए चून भेजती थी, कट्टे के अंदर 20-20 25-25 किलो चून भेजते थे, और वो चून हम खाते थे, खाना खाते थे, और हम उनको फिर यही बात बोलते थे कि आप हमें आटा और दे दो। तो बस हमें ये है कि भाभी भैया का फंक्शन है, एक मेमोरेबल चीज करनी है कि उनको जिंदगी भर याद रहे। देखो हमसे जितना होगा हम उतना कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप ये शादी बाद बोलो ये नहीं किया वो नहीं किया ये नहीं किया, तो उन लोग भाभी और भैया का सपना पूरा कर रहे हैं, भाभी को दुल्हन बनना है तो हम वही सपना पूरा कर रहे हैं। तो ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे जितने लोग है घर घर के वही लोग है फंक्शन में, पर हर एक फंक्शन ना हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, किसी चीज की कमी ना रहे। मैंने एक चीज सोची है कि ना 4 मार्च हट बिंदी बना रही चल पागल फिर मुझे लोग बोलेंगे इतनी बत्तमीज है, कमेंट आ रहे हैं मुझे, मेरे कमेंट आ रहे मेरे लिए क्यों क्या आ रहे हैं कि इतनी बत्तमीज है, सास की तरह रहती है, उसको कुछ बोलने नहीं देती है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो बोलेगी मेरे सामने मेरी चलती गाइस, इसमें दम नहीं है, सारा दम मुझ में, इसको ऐसे उठा के फेंक दूं मैं। ये कौन झुक रहा है, घोड़ा कौन बन रहा है, वो जिम साफ कर रहा है। बाबू मेरी बात सुन, मैंने सोचा तेरा बर्थडे है ना 4 मार्च को, एंगेजमेंट 4 मार्च की रखती थी, अभी पहले लिख तो ले फंक्शन, अब एंगेजमेंट शांति ये तो 10 घंटे लगाएगी लिखने में, लाइट चलेगी, देखा तेरे लेते टिक्का शगुन। भाभी अपने देवों की पूजा करेगी, देवों की पूजा तो बहुत जरूरी, भाभी करेगी क्योंकि उनके देव है ना। उसके बाद पहला फंक्शन हम रखेंगे हल्दी, मेरे ख्याल शादी से एक दिन पहले होती है। नहीं हल्दी सबसे पहले होती है, मैं यही बहुत बोल रही हूँ। हमारे यहाँ बांध बैठते हैं, तो एक काम करते हैं, कितने दिन के बांध बैठाएं, 2 दिन के, मुझे पता नहीं, हल्दी चढ़वाते हैं एक ही बार हल्दी, हमारे सबके अलग अलग होते हैं ना, तो एक दिन के लिए हल्दी, हल्दी के बाद होती है मेहंदी, हल्दी के दिन ही उनको नहाने वाला ही करेंगे ना, उस दिन नहाई धोई होती है, तो उसी दिन चूड़ियां चढ़ती है, नहाई धोई ये हल्दी के बाद नहाई धोई, वो ग्रीन चूड़ियां बना देंगे ना, बैंगल सेरेमनी लिख दी हल्दी के बाद, फंक्शन तो मैं डेट लिख दूंगी ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, हल्दी के बाद बैंगल सेरेमनी, बैंगल सेरेमनी के बाद होगी मेहंदी, और मेहंदी जो होगी ना मेहंदी शाम को करेंगे, और उस मेहंदी वाली रात पे हम करेंगे जागो, है ना, मेहंदी के बाद जागो उसी दिन होगी, मेहंदी शाम को हो जाएगी, रात को लेट नाइट जागो हो जाएगी, फिर हाँ जागो के फिर चूड़ा चढ़ाई के बाद कलीरे वाला फंक्शन तो साथ ही हो जाएगा वो, तो फिर उसके बाद शादी चढ़ेगा उसी टाइम पे हो जाएगा कलीरे वाला शादी, हमने तो बड़े सोचे थे। मंदीप भैया की फेवरेट कॉकटेल पार्टी है, मुझे स्पेशली मंदीप भैया ने बोला भाभी कुछ हो ना हो कॉकटेल जरूर रखना, बैंगल सेरेमनी के पास कर लेंगे, मेहंदी के टाइम मेहंदी वाली रात को कर लेंगे, सबसे पहले कॉकटेल पार्टी करो। हाँ सही बोल रही है, सबसे एक काम करते हैं, मैं सोचे हल्दी से पहले देवों की पूजा के बाद सीधा कॉकटेल पार्टी, या हल्दी के बाद सीधा कॉकटेल पार्टी, या फिर एक काम करो एंगेजमेंट से पहले कॉकटेल, सबसे पहले फंक्शन कौन सा है, कॉकटेल पार्टी। तो गाइस 11 फंक्शन हो गया, एक बार आप भी देख लो, अगर आपको कुछ समझ आए तो आप बताना, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, ठीक है। वेडिंग, कॉकटेल, एंगेजमेंट, चिट्ठी फंक्शन, टिक्का शगुन, देवों की पूजा, हल्दी, नलाई धुलाई, बैंगल सेरेमनी, मेहंदी, जागो, चूड़ा चढ़ाई, शादी,
अगर आपको कुछ ऐड कराना तो कराना, गेस्ट लिस्ट अभी स्टार्ट ही करी है तो सिर्फ 4 या 5 लोग हुए हैं, तो जैसे ऐसे कि मनदीप भैया के साइड से भी लोग आएंगे ना, उनकी बहनें, उनकी भाभी की बहनें, भाभियां और नंद जो भी है, जिन जो उनके गेस्ट हैं वो भी आएंगे। गाइस हम लोग निकल चुके हैं, शाम के 6 बज गए, थोड़ा सा लेट इसलिए हो गए क्योंकि ना हम लोग फेसबुक के लिए वीडियोस बना रहे थे, दो जबरदस्ती वीडियोस बनाई है तो आप जाकर फेसबुक पे चेक करना। तो यहाँ पे मम्मी पिना रही है बच्चे को जैकेट। तो गाइस हम लोग पहुँच गए मेट्रो, क्योंकि घर में है शादी। चीकू क्यों बेटा वहाँ से ले लेंगे, घर में है शादी तो राशन खत्म हो रखा है घर पे, और नीचे लड़कों के लिए भी तेल वेल नहीं है तो सब लेना है। चलो फिर चलते हैं। एक टोकरी तू ले ले, एक टोकरी मैं ले लेती हूँ, एक टोकरी और ले लेती हूँ, 3 टोकरी। पहले फोन रख लेती जेब में। हाँ फोन रख ले। अरे एक और ले ले, चलो देखो कहाँ छोड़ दिया, फट जा। वहाँ से भाग कर आई हूँ। चीकू कहाँ रह गया? चीकू अपना अलग शॉपिंग कर रहा है। गोलू पिछली बार चेयर कम पड़ गई थी ना बच्चों के लिए, बाबू बताती थी सुन, जो चेयर थी ना लास्ट टाइम 4-5 थी, 4 में से ना साइड इफेक्ट थी, एक सही थी, मैंने एक ही ले ली। अब इस बार ब्लू वाली नहीं आई है, ऑरेंज वाली ले लूं? ऑरेंज वाली थोड़ी बड़ी वाली लग रही है, एक ही ले लेते हैं, थोड़ी ऊंची रहेगी। ठीक है रुको, चीकू कहाँ रह गया अपना? ABCD वाली नीचे। कौन सी ABCD? ये अरे बड़ी नहीं है, बड़ी लग रही है, उसमें तो मैं बैठ जाती, इसमें मैं नहीं आ पा रही, क्यों पता नहीं। ये वाली है ना, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ले। सुन मेरा वजन ज्यादा है, ले छू छू ज्यादा करा तो बैठी हूँ। सुन लड़कों कम करेगी, लड़कों के लिए है एक, अपनी तुबा के पास नहीं है ना, एक है तो पिंक ले ले, वो रही पिंक उधर, बारबी डॉल वाली ले ले। हाँ अच्छी लग रही है। पिछली बार याद है तुम हमारे साथ आई थी तो मैं बारबी डॉल वाली लेती, केशव याद है? फिर मैंने देखा ये यहाँ से फटी हुई थी, अभी फटी हुई है, तभी तो मैंने दूसरा कलर लिया था, अभी बाद में देखेंगे। आ जा ये नहीं आई, ये ब्लू वाली रहने दे। आ जा, पर एक चेयर वैसे बहुत है क्योंकि बैठते तो है नहीं, हमें इंस्टाग्राम की वीडियो बनानी होती है बस। फाइल को बुलाना, बैठू क्या हुआ पर क्या करूं? एक बार बैठ जाना, देखियो फल कैसा है ये, एक बार चल देखो, चल पा रही तू? हाँ चल रही। ओहो मेरा कोट गंदा कर दिया, सही तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पता करो कितने का है, कितने का है पता नहीं, मैं तो वहाँ पे डब्बे पड़े हैं बहुत सारे। Excuse me, ये कितने का है? वहाँ पे डब्बे पड़े ना, मुझे चेक करके बताना इसका प्राइस क्या है। मैंने भी लक्ष्य को कॉल किया, मैंने कहा बच्चों की आंटी से पूछ लो, वो कह रहे बता दिए। ठीक है तो पहले तेल ले लेते हैं, नहीं पहले शैम्पू वम्पू है यार, देख मैं कोई तो पहले तेल ले लेते, तेल खत्म है, वहाँ से टोकरी उठा ला अपनी, जा हमारी टोकरी थोड़ी हो मेरी है वो टोकरी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रिफाइंड, रिफाइंड कौन सा ले, कहते हैं रिफाइंड नहीं खाना चाहिए पर हमारे काम नहीं चलता, लेना ही पड़ेगा। और देसी घी भी लेना है, शादी है तो देसी घी भी लेना पड़ेगा। देसी घी तो ये रखे सारे, अमूल का ले लेते हैं, अमूल का हो गया ले लेती हूँ। ये 20 लीटर है ना, ये 15 है, 20 वाला भी है, तो 15 का, 15 है, ये अच्छा है ना कॉटन का। तो भाई अभी मैं जा रही हूँ बच्चों का सामान लेने, पायल वहाँ पे गई है दूसरा सामान लेने के लिए, तो बच्चों के दूध के डब्बे लेने हैं, शैम्पू लेनी है, डायपर मैं अभी लेकर आई हूँ, किसी चीज ने भी अपना सामान ले लिया, तो पहले लेते हैं बच्चों के लोशन। चलो मैं लोशन का पूरा लोशन में यही वाला लोशन लेती हूँ सभी लिए हमेशा, तो ये लोशन ले लिया इतना बहुत है, शैम्पू यही सही है, टॉप टू टो ये ले लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ ऐसे काम करती हूँ डायपर भी ले लेती हूँ, क्योंकि आई है तो डायपर ना बच्चों के ऐसे तो है नहीं एक्सपायर हो जाएंगे, डायपर तो काम आते हैं, मीडियम और लार्ज ले लेती हूँ। तो बच्चों के दूध के डब्बे भी खत्म हो गए तो वो भी ले रही हूँ, ज्यादा नहीं ले रही, अभी 6 ले रही हूँ क्योंकि बच्चे ऑलरेडी सेमी सॉलिड फॉर्म पे आ गए ना, तो ज्यादा डब्बे ज्यादा दूध देते हैं, बच्चों को खाने का सामान देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो मैंने ना 3 फिनाइल ले लिया क्योंकि ये फिनाइल ना बहुत रीजनेबल प्राइस पे पड़े थे, तो आपको पता है घर बहुत सारे हैं, सारे हमारी जो टीम है सबके लिए, तो मैंने 3 ले लिए, एक हमारी टीम के लिए, हमारे लिए, एक साथ वाले घर के लिए, हार्पिक ले लिए, बर्तन धोने वाले चक्की ले लिए, साबुन भी लेना ना कपड़े धोने वाला, हाँ वो लेने, और कपड़े धोने वाली वो टॉयलेट टिश्यू लेने, टिश्यू पास आया क्या? नहीं मेरे में व्हाट्सएप चेक करा भी आए, तेरे पास जो मैसेज आया था उनमें क्या क्या सामान था? उसमें जो जो था वो मैं ले रही हूँ। ठीक है बच्चों का भी लेना है, ले रही हूँ, ये ले पकड़। अब गर्मियों में तो कपड़े बहुत ज्यादा धुलने वाले हैं, वो खत्म हो गए, 4-5 लेके गए थे, अभी लेके गए थे हम 6-8 लेके गए थे ना, खत्म हो गए होंगे। यार बच्चों के कपड़े कम धुलते हैं, 6 अब वो भी ले ले, खुशबू वाला जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो तो उधर है कम्फर्ट है। अच्छा बर्तन धोने कपड़े धोने वाली साबुन चाहिए, किधर दिख रही है? नहीं इधर तो नहाने वाली साबुन है पीछे, 3 बहुत है, टाइड सही है, टाइड आ जा। तो यहाँ से मुझे लेनी है टॉयलेट ब्रश 1, 2 और लेना है ये वाला झाड़ू। बोलो मैं इधर हूँ। तो भाई शॉपिंग हो गई एकदम डन, और सूरज भैया को बुला लिया, साथ में पायल वेडिंग वाले भैया का फोन आ गया है कि आप आ जाओ कार्ड ले लो है। ठीक है अच्छा यार ये चीज सुनी बहुत अच्छा है, ये पंप ले ले, ऊपर के भी एक जगह का टूट गया था, एक्स्ट्रा ले लियो 2-4 पंप ले रही हूँ।
मेरे को ना इतने दिन से मैं सोच रही थी कि पंप लेके आऊंगी और पायल बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्लास्टिक के ले रहे हैं क्योंकि कांच के ना दो पंप तोड़ चुके हैं ये। नीचे के लिए भी चाहिए ना, नीचे के भी नीचे के बाथरूम के लिए तीन हो गए और ऊपर के लिए दो चाहिए, एक में बच्चों का डालती हूँ और एक में हैंड वॉश होता है ना, ठीक है बाल्टी निकाल ले वहाँ से, बस दो ऊपर के हो गए तीन नीचे के। बाल्टी में इधर से ले लेती हूँ, इधर ये रही दो वाइपर भी ले ली है नीचे वाले घर के लिए और सामान और पोने ले रही पायल और बस यही रह गया ना, बस हो गया तो कुछ याद नहीं आ रहा जितना चल हो गया। तो गाइस यहाँ पे हमारा सारा सामान ऑलमोस्ट पैक हो गया, बस रखवाते हैं और इसके बाद हम मैं और गोलू निकल रहे हैं आगे और चीकू जाएगा घर। तो गाइस हम लोग आ गए वही पुरानी जगह पे, यहाँ से पायल की जो हल्दी थी उसके हमने पटरा लिया था, तो हमारे पास अभी एक पटरा रखा हुआ है तो हमें दो पटरे चाहिए, तो सोच रहे एक पटरा और ले लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ना लैस भी चाहिए थी, वो भी लेनी है और भी दो चार चीजें थी, हमने कलीरा तो ले लिया भाभी का, ठीक है। चूड़ा मैंने चूड़ा भी लेना है पर चूड़ा यहाँ से नहीं ले रहे, चूड़ा हमने बहुत अच्छी जगह से ऑर्डर किया हुआ है और भी चीजें थी दो तीन, याद नहीं आ रही पायल से पूछते भी जो जो याद है वो तो ले लेते हैं। तो भाई कितनी सुंदर पैकिंग, देखना कितनी सुंदर पैकिंग की है, इसमें ऑलरेडी ना चार कीप्स रखी हुई है, पैसे से करके लगाओ और पर ये पता नहीं ना रखी हुई है, हम लोग तो जो मेहंदी वाली बुलाएंगे ना वो लोग फ्रेश मेहंदी बनाते हैं तो कोई ऐसा डिजाइन अच्छा सा लेंगे, हल्दी का तो हम लोगों ने ले लिया। भी कितना सुंदर है, वाओ बहुत अच्छी है, वाओ ये कितना सुंदर है लड़का पायल, देख गुड्डा गुड्डी बने हैं, देख दूल्हा दुल्हन और कीप। पर ये तो हम ले आए ना गोलू, हम हल्दी वाला ले आए हैं। अच्छा मेहंदी वाला हम इसलिए नहीं लेंगे, हम तो फ्रेश मेहंदी बुलाएंगे ना, ये वाली मेहंदी नहीं लगाएंगे हम तो, फ्रेश लगाएंगे। अभी ये जागों में यूज है, जागों में यूज होता है। क्या करते हैं इसमें, क्या करते, इसको तोड़ते ऐसे बजाते ऐसे, पूरा तोड़ देते हैं। हाँ बजा बजा के, बजा बजा के। अच्छा ऐसे छोटे छोटे पीछे से ऐसे ऐसे आवाज ही नहीं आ रही हमारे में, तो वो करते हैं बर्तन से, सबका थोड़ा अलग रीति रिवाज है, हल्का हल्का। फोन रख के ना, फोन रख के यहाँ पे अपना सामान, को कुछ याद नहीं रहता इसको, कभी गायब सुन लिया उसने, गायब करूंगी नहीं सुना नहीं रहता। इसके साथ ये भी मिलेगा, तो इसके साथ क्या दोगे? इसके साथ आया नहीं, इसे अलग से लेना पड़ेगा। ये थोड़ी कोई मतलब है भाई, सबसे अच्छा उपटन है वो दे दो, सबसे अच्छे है इसको, बस सिर्फ घोल के ऑयल डालना है, ऑयल डालना है बस, और कौन सा डालना है? जैसे हल्दी लगाते हैं उसकी जगह ये लगता है, ये लगता है हल्दी का बटन ही कहते हैं इसको। हाँ हाँ, तो ये दो बंदों के लिए इनफ है, बहुत है, बाकी अगर आपको कम लगता है एक छोटा ले जो साथ में। हाँ क्योंकि सारे लोग लगाए, चश्मा लग गया, तू रखते इसको, इसको लगाने के बाद तो मुझे और धुंधला दिख रहा है। बोलो ये ले, ये ठीक है, दो ले रही है, दो। हाँ दोनों के साइड पे लगेंगे ना, इतना तो चुरत नहीं होती, एक ही बहुत, एक एक दे दो ये वाला, गाने भी कनेक्ट होते हैं, महंगा है पर बहुत, 2100 2100 रेंट है, रेंट है एक दिन का। शावनी घर दिखा दो, फिर इसमें जगमग जगमग नहीं है, पर ये बोलो थोड़ा रेंट कम कर देंगे, बात करते हैं रेंट कम कर देंगे। तो गाइस ये बड़ा सुंदर लग रहा है मुझे, काम करती हूँ देखती हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। घर वाला शादी नहीं, शादी घर वाला नहीं, वाला घर शादी, घर शादी वाला, घर शादी वाला, शादी वाला घर है भाभी, शादी वाला घर, अच्छा घर शादी वाला भी अच्छा था, शादी वाला घर ये बड़े लगाएंगे, घर के बाहर लगाएंगे, ये मस्त लग रहा है ना, घर शादी वाला, घर वाला शादी, घर वाला घर शादी वाला घर, शादी वाला घर, मोती मोती। हम ऐसा सारा नहीं लेंगे, हम वो पगड़ी वाली बनवाएंगे कपड़े से, जो सुंदर लगता है ना वो, हाँ वो अच्छा लगता है, वो बांधने के लिए आते हैं स्पेशल, ये वाला ले लूं, ये कैसा लग रहा है, ऐसे ऐसे लगाने के लिए, एक बार एक जो खुला हुआ वो देख रही, खुला हुआ नहीं आपके पास, दिखे हाँ मुँह ना दिखे, सुंदर लगेगा, ऐसे ठीक है, दिख रहा कौन है, लड़का है लड़के भी यार, एक बार खोल के दिखाओ ना भाई, हमें पता लगना चाहिए कैसे लगते हैं, पूरी सुंदर है पायल है ना, वाओ ये सुंदर लग रहा है। अभी ये 1450 की रेंज है, ये वाला 3350 की रेंज में, जॉब के एंड में ऐसे पन्नी निकाल के दिखा देने पर खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मैंने ना ये लग रहा है, कौन सा ये जो मेरे को पसंद आया था, हाँ इसकी लुक ही अलग है। पता है भैया मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बात बोलती कि मेरे पापा मम्मी की ना बचपन की सीढ़ी देखी थी, उनकी शादी हुई थी, मैं तो छोटी, मैं छोटी घर में थी नहीं मैं छोटी थी, पापा मम्मी की शादी की सीढ़ी देखी ना, उसके ना पापा ने ना सर लगाया हुआ था और ऐसे करके ऐसे फोटो, नहीं वो जो जिसपे पे दिल आ गया ना छोटा वाला, ये वाला ये निकालो, ये सुंदर लग रहा है, ऐसे पकड़िए ऐसे 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 ऐसे। अरे भैया का गोल्डन कलर का है ना, गोल्डन पे पिंक, डार्क पिंक अच्छा लगेगा, रेड अच्छा लगेगा गोल्डन पे, क्योंकि भाभी का लहंगा रेड है ना, बताना थोड़ी था, सॉरी गाइस मैं झूठ बोल रही हूँ, मैरून लहंगा है, मैरून तो मैरून दिखाना कोई अच्छी सी पगड़ी, वाओ सुंदर कितना है ऐसे ना, चीकू पापा ने नहीं पहना है सब चीकू पापा ने नहीं पहना, पायल है पायल से शादी करी आया मेरे से की तब भी नहीं, मेरे को लगता शौक नहीं है,
मैं आती ना लड़का हूँ पहन लिए ऐसे से झांक झांक के निकलती बाहर। वैसे मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला फाइनल कर रही हूँ। और गोल्डन कलर का वो है ना भैया का वर्क भी है उसपे शेरवानी पे, तो ये अच्छा लग रहा है। महंगा होता है 16,000 का। हाँ तो क्या हो गया, बहुत सुंदर है, मेरे मुंह भी जच रहे, मेरा भी मन है पहले से कहा था तेरे को पहनने के लिए, हम तो नहीं पहनी। नहीं नहीं, पर हमारे हम हेयर स्टाइल बनेंगे भैया, इसका नया फ्रेश पीस निकाल देना। तलवार तो होनी चाहिए दूल्हे के हाथ में, तलवार तो बनती है, लुक होती है, सही लग रही है। फालतू बोले ना, काटते काटते निकलेंगे। और ये डंडा क्यों होता है, संडे संडे खेलने के लिए, नहीं सबका लगे रिवाज है ना। पर नहीं पायल, तलवार ही पकड़ेंगे, जो तलवार की लुक है तलवार की है, स्टिक की नहीं। अभी कईयों में ना तलवार नहीं पकड़ते, दूसरे की होते है ना, वुडन में ले सकते। हाँ ये भाभी सही है ना, लग रही ना। हाँ ये हुई ना बात की, भारी भरकम एकदम। उस दिन फालतू नहीं बोलेंगे मंदी भैया से, कोई भी सही है ना, मस्त है। एक काम करते हैं, नीचे होता है सुलेमानी तलवार, ये ऐसे होता है, ऐसे पकड़ना। सही लग रहा है, सही लग रहा है भाभी। तो मंदीप भैया वो ये बता, आप दोनों के सामने इमेजिन करो, सामने पगड़ी कौन सी अच्छी लग रही है, पगड़ी ये जो तूने पहनी है जो बेस्ट होगी वही लेंगे, क्योंकि ये तो भाभी भाभी कह रही, बेबी बेबी कह रही, भाभी तूने जो पहनी वो अच्छी, और तलवार भी जो तूने पहनी अच्छी लग रही है। हाँ पकड़ी है ये, आ गई शूरवीर, रहने दे शूरवीर। आज लोरी के फंक्शन में जो हमने छोटी की थी ना, हाँ। मेरे को तो मेरी छोटी इतनी सुंदर लग रही थी, तो मैं वो छोटी के लिए गोटी ले रही, मजा आ गया था वो छोटी को इतनी, मतलब क्या लुक आई थी, सबने इतनी तारीफ की थी। तो बहुत डल सा लग रहा है, नहीं फिर लूंगी, शाइनिंग वाला ही डल लग रहा है। तो एक गोटा हमने पसंद करा, ये वाला दिखाती हूँ, 65 रुपीज मीटर है, तो हम लोग ले रहे 2 मीटर। दिखाना जो गोटा हमने पसंद करा है, शीशे वाला, ये वाला, ये गोटा पसंद, ये भी या तो शीशे वाला ले लो, दोनों शीशे वाला दो। एक काम करना, एक ये वाला दिखाना, ये कॉपर में जो है, ये कितना प्रोडक्ट दिखाना, नहीं नहीं इतना, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। एक काम करना, ये ले लेना 1 मीटर, 2 मीटर चाहिए होगा, 2 मीटर छोटी के लिए। तो हमने ले लिया 4 मीटर गोटा, 2 मीटर गोलू के लिए, 2 मीटर मेरे लिए, चलो चलते। मुझे कह रही मैंने खेलकर लेके खाए, मैंने क्यों कहा कि तुम तीनों को कॉफी दी, मुझे नहीं दी। मैंने मैंने मना किया था, मेरे को ना इतनी नहीं पीनी थी, मुझे एक सिप या दो सिप लेना था, मैंने बहुत सारी, हम दोनों फिर वेस्ट हुई। पकड़ फटाफट मिलकर आके घर जाना, घर तो जाना पड़ेगा। तो भाई हम सब्जी मंडी पहुंच गए हैं, तो अभी जाते हैं। तो घर में ना आज कोई भी फ्रूट नहीं था, ना स्ट्रॉबेरी ना कुछ कोई भी, तो अभी फ्रूट ले लेते हैं। तो पीछे छोटे छोटे बच्चे, फाइन ओके स्टे हैप्पी। तो बच्चों के ना करेले देख के मुझे याद आ गया, पता है बचपन में रिबन वाले करेले करे हैं हमारे यहाँ, करेले नहीं बोलते थे, वो तो बोलते थे मेरे भी, हमारे में करेले बोलते थे, मम्मी करेले करती थी मेरे दो ना, मैं ऐसे करके ऐसे, मैं छोटी थी ना, छोटा करेला था, फिर वो बड़ा 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 बढ़ता गया। तो यहाँ से हमने 100 रुपए का लहसुन लिया, वहाँ से गोभी लिए फूल, और पीछे से लिए 5 किलो प्याज और आलू हो चुकी है। तो यहाँ से हमने धनिया लिए 30 रुपए का, और एक काम करते हैं, क्या लिए, धनिया लिया, पुदीना, सुनना। तो भाई सारी सब्जियां हमने रख दी गाड़ी में, और ना आज इस बार कुछ डिफरेंट लिया है, नेचुरली हेल्थ स्वीट कॉर्न रेडी टू ईट वाले, इसको बॉईल करके खाना है, तो जरूर ट्राई करेंगे, तो अच्छे होते हैं। तो गाइस हम कल देके गए थे कपड़े, और भैया ने आज कर भी दिए, जबकि इतना सारा काम था इसमें। तो मैं घर जाके दिखाऊंगी कैसी फिटिंग है, पहन के दिखाऊंगी कितने हो गया। तो सबसे पहले तो मेरा कल नहीं परसों जो भी पहनूंगी, मेहंदी है ना, हाँ कल मेहंदी नहीं परसों मेहंदी है। तो मेरा लहंगे कोटी के नीचे ना उन्होंने बहुत ही प्यारी सी ये लगा दी है, थोड़ा सी लंबी हो गई कोटी, मैंने कहा था लंबी कर देना, सुंदर लग रहा है, लटकन भी बहुत सुंदर लगाई है, अब ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये एक बार रिक्रिएट इन्होंने कर दिया है, हम दोबारा पहन लेंगे, उसके बाद ये हो गया हमारा सही मेहंदी का, हम यही पहनेंगे ना, हम यही दोनों अब इसको फिटिंग के लिए दे देंगे। हाँ ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, फिटिंग कह रही हूँ। यार वो भी कुर्ता वो तूने कल फिर रह गया ना, आज करवा दियो, लेवेंडर वाला लहंगा वो नीचे से निकालना पड़ेगा, वो भी पहन लेते हैं ना। ठीक है, ये तेरा है, ये मेरा है ना। अच्छा तो ये वाला 13 है, इन्होंने 13 ब्लाउज इसमें डाला, ये वाला 13 है, ये वाला और मेरा पैंट, एक ना पैंट थी गाइस उसको देखती हूँ इन्होंने किस तरीके से ठीक किया है, क्योंकि वो पैंट ना मुझे बहुत ज्यादा लूज थी, और मैंने कहा था फिट कर देना, देखते कैसे इन्होंने फिट करी है। लेंथ देखिए एक बार इसकी, और इसकी लेंथ चेक कर, आज तुझे क्या हुआ, क्या हो गया, अब से वो थोड़ी बहकी हुई, लेंथ चेक कर ना। हाँ कर दिया, क्योंकि पैर इतना चौड़ा नहीं था ये। हाँ सही है, लेंथ इक्वल हो गई, इक्वल हो गई, हाँ दोनों चीजें कर दी। आगे बराती पीछे बैंड बाजा, कहाँ चल, आगे सब्जी मंडी पिछले लहंगा साड़ी, और मेरे बनेंगे दुल्हन की बहने, हम भैया की जुत्ती कौन चुराएगा, अरे हाँ मंदिर भैया चुराएगा, पता नहीं क्वेश्चन मार्क्स क्या गया यार, बाकी सारे हम तो भाभी हैं, हम तो उबटे लगाएंगे, सुरमा लगाएंगे, बहनों को भी लिए, पूछती हूँ भाभी से बहने हैं क्या सीन है, मैं तो पता ही नहीं है।